दिल्ली में पानी पर महाभारत जारी है। जहां दिल्ली सरकार लगातार इस पर सफाई दे रही है, वहीं बीजेपी उसे सवाल पूछ रही है कि आपने 5 साल में आखिर क्या किया, क्यों फ्री में पानी देने का ढोल बजाती रही। दरअसल हुआ ये कि देश भर के शहरों में पानी की जांच की गई, जिसमें दिल्ली का पानी सबसे खराब पाया गया। सारे के सारे 10 नमूने फेल हो गई। दिल्ली में सिर्फ हवा ही जहरीली नहीं बल्कि पानी भी जहरीला है, यानी आम आदमी की जिंदगी रिस्क पर है। उसके बच्चे कैसे बड़े होंगे और कैसे एक स्वस्थ नागरिक बन पाएंगे, ये चिंता उसको खाई जा रही है। लेकिन दिल्ली के सीएम लगातार सफाई में बिजी है। वो बता रहे हैं कि रिपोर्ट झूठी है और इसलिए उन्होंने केंद्रीय उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान को चुनौती भी दे डाली कि फिर से जांच कराइए। पासवान ने चुनौती स्वीकार भी कर ली, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप से दूर हमने खुद मौके पर जाने की कोशिश की और लोगों से पता लगाने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या उनको साफ पानी मिल रहा है या नहीं। हम पहुंचे ईस्ट दिल्ली के कृष्णा नगर और लोगों से पूछा जमीनी सच। देखिए जनता क्या बता रही है। हमारे यहाँ तो जी बहुत ही गंदा आ रहा पानी, पीने लायक तो है ही नहीं, हाथ पैर भी मुंह भी नहीं धो सकते उससे, इतना गंदा पानी आ रहा। फिर कैसे काम चलता है आपका? जी हम तो पीने के लिए तो बोतल ले लेते हैं और मोल का ही पीते हैं। अच्छा। और क्या करें बताओ, पैसे ले ले भले ही पर पानी तो ढंग का देवे कम से कम हमें। केजरीवाल ने तो काम सही करा पर थोड़ा पानी तो देखो जी गंदा ही आ रहा है आजकल बहुत। यहाँ सब पड़ोसी भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, पीने लायक पानी है ही नहीं और बहुत स्थिति खराब है पानी की, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। दुकान है जो परवाना रोड कोने पे दुर्गा मंदिर के सामने दुकान है जी। देखो पानी का प्रॉब्लम ये है कि पानी एक तो आता नहीं है, अगर आता भी है मोटर चलाओ जबरदस्ती तो ऐसा होता, कभी काला आता है कभी पीला आता है कभी आएगा ही नहीं, प्रॉब्लम ये होती है जी। मंदिर में पानी साफ नहीं आता पीने का पानी, कभी बदबू आता है कभी गंदा पानी आता है, तो बोतलें लेकर के खरीद करके पीना पड़ता है पानी। काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से ऐसा चल रहा है। मेरा वीरेंद्र नाम है सर। कहाँ रहते हो? गोविंदपुरे में रहता हूँ सर। सर पानी में बदबू है, पीते हैं तो पीने में तो अच्छा नहीं लगता, जैसा नलके वाला पानी आता है बरमे वाला वैसे पानी आता है, पानी में बदबू है तो हम लोग बाहर से खरीद के पीते हैं सर। मनोज शर्मा है, मैं शास्त्री नगर सरोजनी पार्क दिल्ली 31 में रहता हूँ। समस्या ये है कि हमारा पानी बड़ा ख़राब आ रहा है, कई बार तो ऐसा लगता है कि सीवर से पानी आ रहा है सीधा। अच्छा, इतना गंदा पानी आ रहा है और लगभग मेरे घर पे मेरे छोटे बच्चे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इस पानी की वजह से परेशान है। भाई साहब कहाँ से लाएँ 30-40 रुपए रोज़ ख़रीदें पानी, और मजबूरी में ख़रीदना भी पड़ रहा है। हमारी जो बेसिक बुनियादी सुविधा है वो भी दिल्ली सरकार छीन रही है। हमने कई कंप्लेंट भी कर दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन आज तक जो है पानी ठीक नहीं आ रहा, हमारी कोई नहीं सुन रहा। क्षेत्रीय विधायक जो है एसके बग्गा, उनसे भी बोला लेकिन वो समझ ही नहीं रहे चीज़ों को, वो सिर्फ खाना पूर्ति करके सारे काम ख़त्म कर देते हैं और हमारा पानी जो है गंदा है और गंदा ही आता रहता है, खरीदना ही पड़ता है जी। तो जाहिर है अलग अलग लोकेशंस पर लोगों ने बताया कि उनको साफ नहीं गंदा और बदबूदार पानी मिल रहा है। लोग कहते हैं कि हम शिकायत कर करके थक चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, बच्चे बीमार हो रहे हैं और हम परेशान। इसलिए हमने गंदे पानी से होने वाली बीमारियों को लेकर कृष्णनगर के ही सीनियर डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी से बात की। सबसे पहले उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है डायरिया, लूज मोशन, और डायरिया क्या है, कॉलरा भी हो सकता है, हैजा जिसको कहते हैं, उसके अलावा टाइफाइड हो सकता है, एंट्रिक फीवर जिसको कहते हैं, ये दो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और उस डायरिया के कारण आज के दिन में पिछले खासतौर से मैं देख रहा हूँ 15-20 दिन में एक महीने में हॉस्पिटल्स में ओपीडी और इंडोर पेशेंट्स बढ़ गए हैं। दूसरा हो सकता है जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए जिसको कहते हैं, वो वायरस से द्वारा होता है, वो जानलेवा, ये तो मुझे लगता है वो जानलेवा बीमारी है सारी की सारी। अगर ये अनट्रीटेड हो तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती हैं, और ख़ास तौर से जैसे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, जिनमें बुजुर्ग में मान लीजिए डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पहले से ही वो इम्यूनिटी इनकी कॉम्प्रोमाइज़ है, बच्चों में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, उन बच्चों में निश्चित रूप से या बुज़ुर्गों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लिवर की जॉन्डिस के हो सकते हैं। इसके अलावा पानी से आप नहाते भी हैं, और गंदे पानी से अगर आपको नहाना पड़ रहा है तो स्किन की एलर्जी, स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। तीसरी चीज़, उसी पानी से आप खाना साफ़ करते हैं,
बनाने के पहले उसको पानी से धोते हैं, साफ करते हैं। अगर वो अगर पानी ख़राब है तो वो जो खाना खा रहे हैं वो भी आप ख़राब खा रहे हैं। तो पानी जो जीवन की सबसे मूलभूत ज़रूरत है, अगर हमारे को साफ पानी पीने का नहीं मिलेगा तो कैसे ये ज़िंदगी चलेगी, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। ये एक जिम्मेदारी, कोई भी जल सामने आप देख लीजिए बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो ही पिए, नहीं तो ना पिए। दूसरा, अगर गंदा पानी आ रहा है तो उसको ना पिए और आप अच्छा पानी साफ लेकर पिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उस पानी को उबाल लें, उसके बगैर ना पिए, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया मर सकते हैं लेकिन वायरस तब भी नहीं मरेंगे। इसके अलावा जो टॉयलेट जाना है उसके बाद हाथ ज़रूर साफ़ करें, खाना खाने के पहले हाथ ज़रूर साफ़ करें, इसको हम लोग कहते हैं हैंड हाइजीन। तो अपने आसपास स्वच्छता रखें। और पता क्या कि कैसे गंदे पानी से बच सकते हैं या इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? तो साफ है, डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से गंदा पानी एक परिवार, एक संस्थान और एक देश के लिए घातक हो सकता है। इसलिए पानी पीने से पहले सोचिए, उसको गर्म कीजिए या फिर किसी भी तरह से शुद्ध, ताकि आप स्वस्थ रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।